हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय आईटी चैनल एसपीटी 999। ये सी लैंग्वेज का लेक्चर 17 है, जिसमें हम लोग स्वैपिंग के बारे में समझेंगे थ्रू यूज़र इनपुट। तो स्वैपिंग का मतलब है एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे में कैसे भेजी जाए और दूसरे वाले की वैल्यू पहले में कैसे लाया जाए। तो स्वैपिंग के चार अलग अलग मेथड हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। तो आइए पहला मेथड समझते हैं, यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो ये बहुत ही कॉमन टाइप का मेथड है वेरिएबल के बीच में वैल्यू को स्वैप करने का। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आपके पास दो ग्लास हैं, जिसमें से एक ग्लास में दूध है और एक में पानी। तो हम चाहते हैं कि पानी वाले में दूध चला जाए और दूध वाले में पानी आ जाए। तो ये करने के लिए हमें एक तीसरे ग्लास की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास मान लीजिए ए और बी दो वेरिएबल है, जिसमें से ए में कोई वैल्यू है और बी में। तो हम चाहते हैं ए की वैल्यू बी में चली जाए और बी की ए में चली जाए, तो हमें एक तीसरे वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हमने तीन वेरिएबल लिए हुए हैं और यूज़र से इनपुट करा रहे हैं दो वेरिएबल की वैल्यू ए और बी की। तो यूज़र इनपुट करेगा, स्कैनएफ फंक्शन से हम लोग ए और बी की वैल्यू इनपुट करा लेंगे। इसके बाद हमने ए की वैल्यू को ट्रांसफ़र किया सी में। अब हम ए में बी की वैल्यू ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ए की वैल्यू सी में स्टोर्ड है, ऑलरेडी सेफ है, और ए में बी की वैल्यू आ चुकी है। तो ए में बी की वैल्यू ट्रांसफ़र हो गई। अब अगर हम बी में सी को ट्रांसफ़र कर दें, तो क्योंकि सी ने ए की वैल्यू को कंटेन कर रखा है, इसलिए बी में ए की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हम ए में बी की और बी में ए की वैल्यू ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने प्रिंट कराया वैल्यू ऑफ ए और वैल्यू ऑफ बी। तो जो भी वैल्यू यहाँ इनपुट हुई थी, उसके ठीक ऑपोजिट वैल्यू यहाँ प्रिंट हो जाएगी स्वैप होकर के। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे इसको समझ सकते हैं। मान लीजिए ए की वैल्यू 5 है और बी की 6 है। तो हमने सी में ए की वैल्यू भेजी, इसका मतलब सी की वैल्यू 5 हो गई। ए में हमने बी की वैल्यू भेज दी, तो बी की वैल्यू 6 थी, वही ए में चली गई, यानी ए की वैल्यू 6 हो गई। और बी में हमने सी की वैल्यू भेज दी, तो सी में 5 पड़ा हुआ था, वही बी में चला गया, तो बी की वैल्यू 5 हो गई। तो इस तरह से स्वैपिंग है। इसके अलावा हम विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल भी स्वैपिंग कर सकते हैं। इसके लिए कुछ मेथड हैं। जैसे पहला मेथड है प्लस और माइनस ऑपरेटर का यूज़ करके। तो यहाँ पे देखिए, हमने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, ए इज इक्वल ए प्लस बी, बी इज इक्वल ए माइनस बी, ए इज इक्वल ए माइनस बी करके। इस ऑपरेशन को समझते हैं एक्चुअल में ये कैसे हुआ। मान लीजिए ए की वैल्यू 5 है और बी की 6 है। तो हमने लिखा ए इज इक्वल ए प्लस बी, तो ए और बी दोनों की वैल्यू ऐड होकर के ए में ट्रांसफ़र हुआ 11, तो ए की वैल्यू हो गई 11। जब हम अगली लाइन में पहुंचेंगे, तो वहां पे लिखा हुआ बी इज इक्वल ए माइनस बी, तो ए की वैल्यू तो 11 है और बी की वैल्यू है 6। तो 11 में 6 अगर माइनस होगा, तो बी में क्या ट्रांसफ़र होगा? 5। इसलिए यहाँ पे बी की वैल्यू 5 हो गई। अब अगेन लिखा हुआ है ए इज इक्वल ए माइनस बी, तो ए की वैल्यू तो अभी भी 11 थी और बी की वैल्यू 5 हो चुकी थी। तो 11 में 5 अगर लेस होगा, तो ए की वैल्यू ट्रांसफ़र होके आएगी 6। इस तरह से हम ए और बी की वैल्यू स्वैप कर देंगे। इसके अलावा हमारे पास एक दूसरा मेथड भी है। हम चाहें तो मल्टीप्लाई और डिवाइड का यूज़ करके भी स्वैपिंग कर सकते हैं बिना थर्ड वेरिएबल के। तो यहाँ से आप थर्ड वेरिएबल हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, ए इज इक्वल ए मल्टीप्लाई बी और बी इज इक्वल ए डिवाइड बाई बी और ए इज इक्वल ए डिवाइड बाई बी। तो इसको अगली स्लाइड पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे ए की वैल्यू 5 बी की 6 है, तो ए इज इक्वल ए मल्टीप्लाई बी, तो ए की वैल्यू हो गई 30, 6 और 5 का मल्टीप्लाई। बी इज इक्वल हमने कहा ए डिवाइड बाई बी, तो ए की तो वैल्यू 30 है और बी की है 6, तो 6 से डिवाइड किया 30 को, तो आ गया 5 और वही बी में ट्रांसफर हुआ, तो बी की वैल्यू हो गई 5। अभी a इज इक्वल ए डिवाइड बाई बी है, तो a की वैल्यू तो 30 है और b की वैल्यू क्या है? 5। तो 30 को 5 से डिवाइड किया, तो a की वैल्यू हो गई 6। तो इस तरह से स्वैप होकर के a और b की वैल्यू एक्सचेंज हो गई। इसके बाद एक तीसरा तरीका भी है विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल का, जिसमें हम लोग एग्जॉर ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, a इज इक्वल ए एग्जॉर बी, बी इज इक्वल ए एग्जॉर बी और ए इज इक्वल ए एक्सऑर बी। तो एक्सऑर एक बिट वाइज ऑपरेटर है, तो इसका यूज़ करके भी हम स्वैपिंग कैसे करते हैं ये देखते हैं। ए की वैल्यू 5 और बी की 6 है, तो हमने लिखा ए इज इक्वल ए एक्सऑर बी। तो ए जो 5 है, उसकी बाइनरी होती है 101 और बी की बाइनरी है 110। एक्सऑर ऑपरेशन कहता है सेम बिट पे 0 करना और अल्टरनेट बिट पे 1 करना। तो इसके राइट में 1 है और इसके राइट में 0 है, तो 101 क्योंकि अल्टरनेट पे 1 है। यहाँ पे सेकेंड बिट पे 0 है और इधर सेकेंड बिट पे 1 है, तो 011 अल्टरनेट बिट पे 1 करना है। और यहाँ पे थर्ड वाले पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो सेम बिट हो तो 0 कर देना है, तो ये 0 हो गया।
तो ए की वैल्यू क्या है, 011, और 011 होती है 3 की बाइनरी, इसलिए ए की वैल्यू हो गई फाइनली 3। ऐसे ही हमने फिर लिखा बी इज इक्वल ए एक्सोर बी, तो ए की वैल्यू जो है 3 हो चुकी है यहाँ से, तो 3 की बाइनरी हमने उठा ली यहाँ 011, वही यहाँ पे रख दिया, और बी की 110 ऊपर से हमने उठा लिया, 6 था उसकी बाइनरी। और जब हम यहाँ पे ऑपरेशन करेंगे तो ये बिट और ये बिट 101 अल्टरनेट पे, यहाँ पे ये बिट 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ये हो जाएगा 0, क्योंकि सेम बिट पे 0 करना है, यहाँ पे 1 यहाँ पे 0, तो अल्टरनेट बिट पे 1, तो 101, और ये बाइनरी है 5 की, इसलिए बी में ट्रांसफर हो जाएगा 5। तो ए की वैल्यू 3 ऊपर से हो चुकी है इस लाइन से, और इस लाइन में बी की वैल्यू 5 हो गई है। अभी अगर हम ए इज इक्वल ए एक्सोर बी लिखते हैं, तो ए की वैल्यू क्या है 3, और बी की क्या है 5, तो 3 की बाइनरी और 5 की बाइनरी। तो जब हमने ये और ये बिट मिलाया तो सेम बिट पे 0 आ गया, ये और ये बिट के साथ ऑपरेशन हुआ तो 1 और 0 1 हो गया, ये बिट और ये बिट अगर ऑपरेशन हुआ तो 0 और 1 1 हो गया, क्योंकि ऑल्टरनेट पे 1 और सेम बिट पे 0। तो ये बाइनरी होती है 6 की, इसलिए ए की वैल्यू हो गई 6। तो इस तरह से हम एक्सोर ऑपरेटर का यूज़ करके भी वैल्यूज़ को स्वैप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोगों ने स्वैपिंग के कई अलग अलग मेथड समझे। आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।